दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन स्टूड इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में एक बार फिर हम चर्चा कर रहे हैं, जो है जैसा कि थंबनेल देख पा रहे हैं, यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना पर। हालांकि अगर देखा जाए, जितने भी अभ्यर्थी, चाहे वो चैनल के साथ नए कैंडिडेट्स जुड़े हों या जो पुराने हो चुके हैं, उनके लगातार एक ही मैसेज आ रहे हैं कि भैया आखिरकार क्या जो टैबलेट और स्मार्टफोन की योजना चल रही थी, क्या वो बंद हो चुकी है। तो बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से हम आपके बीच में उस चीज को अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं जो है यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना, और यहाँ देख सकते हैं सीएम योगी की बड़ी सौगात। बिल्कुल जो टैबलेट और स्मार्टफोन की योजना हमारे बीच में चल रही थी, जो है उसको लेकर एक बड़ी न्यूज है। इन जिलों में होगा टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण। प्रत्येक अभ्यर्थी, चाहे वो नया एडमिशन लिया हो या पुराना एडमिशन लिया हो, ठीक है, उनके मन में ये प्रबल इच्छाएं होती हैं कि आखिरकार अगर लाभ मिल रहा है तो हमको भी मिलना चाहिए, ठीक है। यहां देख सकते हैं पेपर कटिंग लगी है, उसको दिखाएंगे अभी। वितरण की लिस्ट में नाम चेक करें, ये आपके जहन में जरूर उठ रहा होगा कि आखिरकार हम वितरण की लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करेंगे। और यहाँ नए अभ्यर्थी जो अभी यानी इस सत्र में जो एडमिशन लिए होंगे, वो जरूर सोच रहे होंगे कि आखिरकार हम अपना आवेदन कैसे करेंगे। तो चलिए हम एक एक चीजों पर आपसे चर्चा करते हैं। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा जो लोग लगातार इस चीज को कह रहे हैं कि क्या जो टैबलेट और स्मार्टफोन की योजना है वो बंद हो गई है। तो चलिए सबसे पहले आप इस चीज को देख लीजिएगा, बाकी आपके डाउट्स खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। देखिए आपके बीच में ये अपडेट्स लगी है, सबसे ऊपर कहा जा रहा है, जैसा कि देख सकते हैं स्पष्ट तरीके से आप देख पा रहे हैं। थोड़ा सा इसे हम जूम करने का प्रयास करते हैं। देखिए जो है अब आपके मन में जो भी डाउट्स थे वो तो बहरहाल इस वीडियो के माध्यम से अभी क्लियर हो जाएंगे। देखिए कहा जा रहा है 15,000 विद्यार्थियों को मिलेगा टैबलेट और स्मार्टफोन। कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ जल्द प्रयागराज आएंगे, इसको जो है फूलपुर में उनके सितंबर के प्रथम सप्ताह में आने की संभावना है। वहां 15,000 विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। स्वरोजगार करने वाले युवाओं को 500 करोड़ रुपए का ऋण भी वितरित किया जाएगा। इन चीजों को छोड़िए, ठीक है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण चीजें थी उसको हमने आपके बीच में रखा, ठीक है। यानी यह वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो लोग सोच रहे हैं कि क्या जो टैबलेट और स्मार्टफोन की योजना है, क्या वो बंद हो गई है या नहीं बंद हुई है, क्या हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ, तो आप इस चीज को देख लीजिए, ठीक है। अब यहां देखिए इसको भी आप छोड़िए, ये आपके काम की चीज नहीं है, ये चीजों को छोड़िए, इसको भी छोड़िए, ठीक है। यहाँ देखिए चीजें आपके बीच में है कि 10,000 छात्र छात्राओं को बांटेंगे टैबलेट, और यहाँ देखिए 5,000 विद्यार्थियों को मिलेगा टैबलेट और जो है स्मार्टफोन। यहाँ टैबलेट 10,000 लोगों को और 5,000 लोगों को स्मार्टफोन वितरण की बातें कही जा रही है। अब आपके मन में ये चीजें जरूर उठ रही होंगी, थोड़ा सा उसको भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये जरूर आप सोच रहे होंगे कि भैया आखिरकार अगर ये योजना हमारे बीच में चल रही है जो है, हाँ, तो हम वितरण की लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करेंगे। यानी जो 15,000 अभ्यर्थियों की बात जो है कही जा रही है, क्या 15,000 की लिस्ट में हमारा नाम हो सकता है। देखिए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, वितरण की लिस्ट आप अपने कॉलेज के माध्यम से ही चेक कर पाएंगे। अगर आप चाहें हम खुद से अपने लिस्ट या गूगल के माध्यम से या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस चीज को चेक कर लें, तो ये संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा, आप अपने संबंधित कॉलेज में संपर्क करिएगा, ठीक है। वहां से उनकी अलग से लिस्ट आती है, ठीक है। यानी जितने लोगों को वितरण होना रहता है उनके लिस्ट में नाम दिए रहते हैं, नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाता है, आप वहां संपर्क करिएगा। अगर लिस्ट में नाम होगा तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में दोबारा से कॉलेज वाले रीअप्लाई करते हैं आपके नाम को लेकर, ठीक है, तो उसके लिए बेफिक्र रहिएगा। बाकी आप अपने हिसाब से वितरण की लिस्ट किसी भी सोशल मीडिया, गूगल इत्यादि के माध्यम से नहीं चेक कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ नए अभ्यर्थी आवेदन कैसे करेंगे, इसको लेकर आप परेशान होंगे, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा ये आपका काम नहीं है, ठीक है।
आपका कॉलेज प्रशासन जहां पर आपने एडमिशन लिया होगा उनके द्वारा आपके फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा और उनके द्वारा ही आपका जो आवेदन है वो किया जाएगा। ये आप अपने माध्यम से नहीं कर सकते, इसलिए इसको भी लेकर आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आए होंगे। बाकी यह जो वीडियो है, अगर हम बात करें इन जिलों में, अभी फिलहाल के लिए प्रयागराज की बात की जा रही है। कुछ लोग सोचेंगे कि आखिरकार जो अंबेडकर नगर है, सुल्तानपुर है, आजमगढ़ है, वाराणसी है, ऐसे जिलों में वितरण कब किया जाएगा। देखिए, पर डे कहीं ना कहीं वितरण की प्रक्रिया हो रही है, ऐसा नहीं कि योजना बंद हो गई है, नहीं नहीं योजना बंद नहीं हुई है, ठीक है, लगातार इसका वितरण कराया जा रहा है। और मैं मानता हूं कि आपके विद्यालय में अभी नहीं हुआ होगा, लेकिन आप विद्यालय के संपर्क में रहिएगा, जल्द ही आपके विद्यालय में भी इसका वितरण किया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।